डियर स्टूडेंट्स, ये है रेजोनेंस का पार्ट टू। और पार्ट वन में हम रेजोनेंस के बेसिक टर्म्स को समझ चुके हैं। सबसे पहले हमने समझा था रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल या फिर थ्योरेटिकल फिनोमिना क्यों होता है। फिर उसके बाद में हमने बेंजीन को ऑर्बिटल डायग्राम से रेजोनेंस को समझा था। जो पी ऑर्बिटल्स थे, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स थे, उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कैसे हो रहा था, ठीक है। फिर हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म या रियल हाइब्रिड की बात की थी। फिर उसके बाद में रेजोनेंस की डेफिनेशन की बात की थी। और रेजोनेंस की डेफिनेशन बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ। पाई इलेक्ट्रॉन्स का पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में, किसमें, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइजेशन ही क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और अपने पास पैरेलल पी ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था, ब्यूटा-1,3-डाइईन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और साथ में रियल हाइब्रिड भेजना है। तो काफी बच्चों ने भेजे, उनमें से काफी बच्चों के सही थे, काफी बच्चों के गलत थे। तो एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं और देखते हैं किसने क्या गलती की। एक बार मैं ब्यूटा-1,3-डाइईन लिख लूं, CH2 डबल बॉन्ड CL सिंगल बॉन्ड CH2। बोलो क्लियर है कि नहीं है। इसका ऑर्बिटल डायग्राम समझे एक बार, देखो पाई बॉन्ड है ना, तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पी ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग, मतलब यहां पे पी ऑर्बिटल होगा, यहां पे होगा, यहां पे, यहां पे, क्लियर है। तो एक बार हम जरा पी ऑर्बिटल्स को देखते हैं। भाई देखना जरा बोर्ड पे, अभी मैं लिख देता हूं जल्दी से पी ऑर्बिटल्स। यहां पे पाई बॉन्ड बना तो यहां पी ऑर्बिटल होगा, यहां पाई बॉन्ड बना तो यहां पी ऑर्बिटल होगा, और ये पाई बॉन्ड है, ये इन दोनों पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना। ये जो पाई बॉन्ड है वो इन दोनों पी ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवर ऑर्बिटल का डायग्राम, ब्यूटा-1,3-डाइईन का ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, होता ये है, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये इधर शिफ्ट होगा, है ना। और जैसे ही ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, मतलब ये दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, वैसे ही ये पाई बॉन्ड टूटेगा, वैसे ही ये पाई बॉन्ड टूटेगा, और यहीं से हमारे पास क्या बन जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये एरो पता है ना अपने को, डबल हेडेड एरो, हमें पता है एक सिंगल हेडेड एरो किसके लिए होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अगर मान लो हम ऐसे एरो बनाते हैं तो क्या है, इक्विलिब्रियम, या फिर इक्विलिब्रियम के लिए हम ऐसे भी एरो बना सकते हैं। ये भी एक इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है, ये भी एक इक्विलिब्रियम को, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को और ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो मतलब ये जैसे ही पाई बॉन्ड इधर आएगा, तो मतलब यहां यहां से इलेक्ट्रॉन दूर गए, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव कहां आएगा, पी ऑर्बिटल में, तो CH2 और ये पहले कार्बन पे पॉजिटिव आ गया ना, ठीक है। आगे वाले कार्बन ने तो बॉन्ड बना लिया इसके साथ, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, यहां तक पहुंच गया। अब ये पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन के पास गया, तो CH2 और p ऑर्बिटल के पास, ये देखो पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो वो टूट के इधर जाएगा, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे तो पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, और बीच में डबल बॉन्ड। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। और रियल हाइब्रिड बनाए तो देखो CS2 जो सिंगल बॉन्ड है ना, उनको तो छेड़ना ही है, वो तो एज इट इज लिख लो CS2, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड वाले जो स्केलेटन है उसको तो हमने लिख लिया। उसके बाद देखो, एक बार पाई बॉन्ड यहां है ना, शुरू में पाई बॉन्ड यहां है, फिर यहां है, और इसमें यहां पे है, तो जहां जहां पाई बॉन्ड बना वहां पे पंडोर डॉट लगा देंगे, मतलब ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव दिखा देंगे, डेल नेगेटिव दिखा देंगे, और यहाँ पे क्या दिखा देंगे, डेल पॉजिटिव, और ये बन गया अपना ब्यूटा-1,3-डाइईन का रियल हाइब्रिड, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का सही था, बहुत सारे बच्चों का गलत था, जिनका गलत था वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जरा देखना बोर्ड पे, अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन पढ़ते हैं भाई, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, ठीक है। अब हमें पता, देखो रेजोनेंस होने के लिए पी ऑर्बिटल्स का पैरेलल होना जरूरी है, पी ऑर्बिटल्स का पैरेलल होना जरूरी है, ठीक है। अब दो पी ऑर्बिटल जो पैरेलल होंगे और वो बॉन्ड बना लेंगे, कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड जैसे ही बना दो से, उसके जस्ट पैरेलल में एक पी ऑर्बिटल और आए,
मतलब तीन पी ऑर्बिटल की बात हो रही है जिनमें दो ने तो बॉन्ड बना लिया और एक क्या है पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम पहले केस की बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट। जब जब जरा ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब दो पी ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग की है, उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पे पी ऑर्बिटल हो, क्योंकि ओवरलैपिंग तो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में ही होनी है, तभी तो कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा। तो दो पी ऑर्बिटल तो ये रहे। ये जो पाई बॉन्ड है कैसे बना है, ये पाई बॉन्ड ऐसे ही तो बना है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये वाला पाई बॉन्ड अगर बात करें, ठीक है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है, वो सिग्मा बॉन्ड हमने यहां पे लगा दिया। मान लो इस एटम को अपन ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, तो यहां पे ये ए एटम हो गया, ये बी एटम हो गया, बोलो क्लियर है। तो ए और बी के बीच में सिग्मा सिंगल बॉन्ड तो ये रहा, और पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से, ठीक है। साथ में ये मान लो एटम सी है, तो सी एटम के ऊपर पी ऑर्बिटल हो, और इस p ऑर्बिटल में तीन सिचुएशन बनेंगी। देखो जरा, देखो कितनी सिचुएशन बनेंगी, तीन सिचुएशन। या तो ये खाली हो, क्या हो, एम्प्टी या वैकेंट हो, क्या हो, वैकेंट हो, या तो ये p ऑर्बिटल वैकेंट हो, या क्या हो, हाफ फिल्ड हो, या क्या हो, हाफ फिल्ड हो, या फिर ये फुली फिल्ड हो, या क्या हो, फुली फिल्ड हो, क्या हो, फुली फिल्ड हो, ठीक है। तो हम ये तीन केस पढ़ने वाले हैं, जब पाई बॉन्ड के एडजेसेंट पे एम्प्टी या वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, जब पाई बॉन्ड के एडजेसेंट में हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो, जब पाई बॉन्ड के एडजेसेंट में फुली फिल्ड ऑर्बिटल हो। तो पहले केस को जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब पाई बॉन्ड के एडजेसेंट में, जब पाई बॉन्ड के एडजेसेंट में एम्प्टी या वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो जरा शुरू करते हैं भाई, देखो ध्यान से, हम शुरू करने वाले हैं पहला केस अपना, ठीक है, पहला केस शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला केस शुरू करते हैं, तो केस नंबर वन की अपन बात कर रहे हैं, जब पाई बॉन्ड के एडजेसेंट में वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, व्हेन वैकेंट वैकेंट पी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट is present adjacent to pi bond, किसके, pi bond के, ठीक है। तो pi bond के जब जब pi bond के adjacent में कौन सा orbital हो, vacant p orbital। अब question में आता है कि वो question में अपने को बताएगा नहीं कि ये vacant p orbital यहाँ पे है या नहीं है, तो उसके लिए फिर से हमें element के पास जाना पड़ेगा। तो एक एलिमेंट हम कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन में आउटर मोस्ट शेल में बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, 2s2 2p2 होता है, 2s2 2p2, तो 2s2 ये रहा, 2p2 ये रहा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन रूम टेंपरेचर पे एक्साइट हो जाएगा, तो ये 2p3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कार्बन sp3 हाइब्रिड है, sp3 मतलब एक s और तीन p, तो उसका मतलब उसके पास p ऑर्बिटल नहीं होगा, और p ऑर्बिटल है नहीं तो फिर वो ओवरलैपिंग कैसे करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए रेजोनेंस के लिए p ऑर्बिटल होना जरूरी है। तो इसका मतलब कम से कम वो sp2 होना चाहिए, कम से कम क्या होना चाहिए, sp2, तभी तो p ऑर्बिटल बचेगा। और sp2 अगर हो गया, सुनना बात ध्यान से, मान लो यहां पे कार्बन ने sp2 ओवरलैपिंग कर ली, तो ये p ऑर्बिटल है, अगर वो ये p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो हाफ फिल्ड वाली सिचुएशन बन जाएगी, और किसी भी सिचुएशन में मान लो इस p ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो कौन सी सिचुएशन बन जाएगी, फुली फिल्ड p ऑर्बिटल। और अगर मान लो यहां से मैं दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो इस कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन, क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन, मतलब कहीं कार्बोकैटायन के एडजेसेंट में डबल बॉन्ड दिख जाए, कार्बन के ऊपर प्लस है, उसके जस्ट अगले एलिमेंट पे डबल बॉन्ड दिख जाए, तो इसका मतलब वहां पे अपने को रेजोनेंस या कंजुगेशन देखने वाला है, पहला केस, ठीक है। यही हम शुरू कर रहे हैं भाई, यही शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो केस नंबर फर्स्ट के एग्जांपल पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम, जरा देखना गौर से। इसी तरह दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, एक एलिमेंट होता है बोरोन, क्या होता है, बोरोन, तो बोरोन का कॉन्फिगरेशन बताना, बोरोन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2s2 2p1 होता है कि नहीं होता, बोलो। और रूम टेंपरेचर पे जब ये बॉन्ड बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन अपना एक्साइट कर देगा, और एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगा तो बोरोन एक बॉन्ड यहां बना लेगा, एक यहां बना लेगा, और एक यहां बना लेगा, मान लो bs3 बना रहा है,
तो तीन बॉन्ड बना लेगा तो एक पी ऑर्बिटल उसके पास खाली है कि नहीं है, तो इसका मतलब बोरोन के पास तो हमेशा ही पी ऑर्बिटल खाली होने वाला है जब वो तीन बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा? तीन बॉन्ड। ठीक है, अब हम एग्जांपल पढ़ना स्टार्ट करते हैं भाई। पहले एग्जांपल की जरा बात करते हैं, देखना ध्यान से, जरा देखो बोर्ड पे, शुरू करने वाले हैं हम। ठीक है, सबसे पहला सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड बी एच टू। ठीक है, बोरोन के कितने बॉन्ड? तीन बॉन्ड। तो एक पी ऑर्बिटल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को क्या मैं ऐसे लिख लूं, दो पी ऑर्बिटल और साइड वाइज ओवरलैपिंग, बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, और यहाँ पे क्या है? खाली ऑर्बिटल। क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल। तो केस नंबर वन ये है कि नहीं है, जब पाई बॉन्ड के एडजेसेंट में खाली एम्प्टी वैकेंट पी ऑर्बिटल हो तो बताओ क्या होगा? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो बताओ क्या बनेगा? CH2 as it is, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड as it is, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि अब ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे तो डबल बॉन्ड BH2। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आया, इसके ऊपर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर गया, और इसके पास आया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, रियल हाइब्रिड बता दो मुझे। अगर रियल हाइब्रिड की बात करें तो रियल हाइब्रिड बताओ क्या बनेगा? हम सिग्मा स्केलेटन तो एजिटीज लिख ही लेते हैं, तो बताओ क्या बनेगा? CH2 as it is, CH as it is, BH2 as it is। ठीक है, ये पाई बॉन्ड एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे डॉट डॉट अपन ने पाई बॉन्ड दिखा दिया, डीलोकलाइज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोरोन के ऊपर नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? डेल नेगेटिव। और यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ क्या लिखेंगे? डेल पॉजिटिव। तो ये अपना बन गया रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बन गया? रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल से मजा आया आपको, ठीक है, और बहुत अच्छी लग रही वीडियो। तो अपन ने पहला एग्जांपल समझ लिया, इसके दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने सीख लिए, इसका रियल हाइब्रिड बनाना भी सीख लिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी एस टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एस टू प्लस। नाम बताओ जरा कमेंट करके, कमेंट में नाम बताओ मुझे इस मॉलिक्यूल का, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ कमेंट में मुझे इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ भाई इस मॉलिक्यूल का, कमेंट करके मुझे नाम बताओ। कितने कार्बन? तीन कार्बन, एक डबल बॉन्ड, प्रोपीनाइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है और कैटायन है तो प्रोपीनाइल कैटायन। बताओ क्या नाम होगा? प्रोपीनाइल कैटायन, प्रोपीनाइल कैटायन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब जरा देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, प्रोपीनाइल कैटायन। ठीक है, अगर अब यहां पे देखो, ये जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव, इसका मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल है कि नहीं है? वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो एक बार इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाए क्या? क्या बनाया अपन? ऑर्बिटल डायग्राम जरा इसका बनाते हैं। क्या बनाते हैं अपन? ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। देखो भाई ध्यान से, सी एच टू एज इट इज, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सी एच, सी एच टू प्लस है तो किसमें होगा? पी ऑर्बिटल में होगा, क्योंकि एसपी टू हाइब्रिड है, अभी देखा था हमने। ठीक है, पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? पी ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से, तो यहां पे पी ऑर्बिटल है। ठीक है, अब बताओ साइड में पॉजिटिव वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ना, और जैसे ही इधर शिफ्ट होगा तो बताओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा सेकंड वाला? जैसे ही ये इधर शिफ्ट हुआ तो इस CH2 के ऊपर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया सेकंड ये वाला, फर्स्ट ये वाला। क्या रियल हाइब्रिड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो जल्दी से बता दो मुझे कैसे बनाएंगे ये? सिग्मा स्केलेटन तो एज इट इज, तो सिग्मा स्केलेटन क्या है? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। सिग्मा स्केलेटन तो एज इट इज है, पाई बॉन्ड एक बार यहां है, एक बार यहां है, तो पाई बॉन्ड को करा दो डीलोकलाइज्ड, ये कर दिया, फिर ये कर दिया, यहां पे एक बार पॉजिटिव, यहां पे एक बार पॉजिटिव, तो डेल पॉजिटिव एंड डेल पॉजिटिव। मेरे ख्याल से पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अपना पहला जो केस है वो पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, उन क्वेश्चंस को करके और मुझे आंसर भेजने हैं। इन सब स्ट्रक्चर्स के आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं,
जल्दी से लिखो नोटबुक में क्वेश्चंस और इन सब के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के मुझे भेजने हैं, ठीक है। सबसे पहला सेकेंड, बेंजाइल कार्बोकैटायन। सेकेंड क्या है? बेंजाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ये पांच जो एग्जांपल हैं, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के और रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के आप मुझे भेजोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं केस नंबर सेकंड की ओर। किसकी ओर बढ़ रहे हैं भाई? केस नंबर सेकंड की ओर। तो अपन ने पहला केस डिस्कस कर लिया है, जब तीन पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, दो पाई बॉन्ड बनाएंगे और एक पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट में प्रेजेंट होगा, और ये पाई ऑर्बिटल के ये पी ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए? वैकेंट होना चाहिए। अब केस नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं, जब ये जो पी ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड हो जाए, क्या हो जाए? हाफ फिल्ड हो जाए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंजुगेशन में केस नंबर टू की बात कर रहे हैं भाई, नंबर टू की बात कर रहे हैं। तो केस सेकंड बताओ क्या होगा? केस सेकंड होगा जब पाई बॉन्ड के एडजेसेंट में हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ठीक है। तो लिखते हैं जरा, देखना, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 रेडिकल, ठीक है। रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होगा भाई? इस पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब क्या हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, सिंगल बॉन्ड को तो छेड़ो ही मत, CH2 सिंगल, CH सिंगल, CH2, ठीक है। यहाँ पे रेडिकल है, इसको एजिटिव लिख लिया, ये क्या है? पाई बॉन्ड। बताओ पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? पी ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग से, तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग करा दिए अपन ने। अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भाई इस पी ऑर्बिटल में, इस पाई बॉन्ड में? दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्या होगा, जब भी कभी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन बचाइए, इस साइड आ जाएगा। बोल क्लियर है कि नहीं? ठीक है, एक बार जरा फिर से देखो, ध्यान से फिर से देखो, एक बार जल्दी से फिर से देखो, एक बार क्या बोला देखो। जब ये दो इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। तो जरा बताना मुझे क्या बनेगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, तो एक इलेक्ट्रॉन आते ही इस साइड क्या बन जाएगा? रेडिकल। और इस साइड रेडिकल बना, बताओ क्या बना? CH2 एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल, ठीक है। और यहां पे बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? तो बॉन्ड बन गया, तो CH डबल बॉन्ड CH2, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, ठीक है। बस क्या फर्क है? एक इलेक्ट्रॉन को घुमाना, पहले दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, अब सिर्फ कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा? एक इलेक्ट्रॉन। बताओ रियल हाइब्रिड क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड को तो छेड़ना ही नहीं है, तो वो सिंगल बॉन्ड वाला स्केलेटन का एंटिटी लिख लो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक बार पाई बॉन्ड यहां पे था, एक बार यहां बन रहा है, तो यहां पे डॉट 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 मतलब पाई बॉन्ड डीलोकलाइज हो रहा है, ठीक है। एक बार रेडिकल इधर इस कार्बन पे, एक बार रेडिकल इस कार्बन पे, तो यहां पे डेल रेडिकल, डेल रेडिकल, ये बन गया रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बन गया? रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसके लिए आपको एग्जांपल करने हैं और मुझे भेजने हैं, मैं लिख रहा हूं एग्जांपल, ठीक है। तो जल्दी से लिख लो नोटबुक में और इन सब के कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप मुझे बताओगे, ठीक है। सबसे पहला ठीक है, दूसरा बेंजाइल रेडिकल, कौन सा रेडिकल? बेंजाइल रेडिकल, इन दोनों के एग्जांपल आपको मुझे करके बताने हैं,
ठीक है, अब बढ़ते हैं जरा अपने लास्ट केस की ओर, आज के लास्ट केस की ओर, केस नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। जरा देखना बोर्ड पे, बहुत इम्पोर्टेंट केस है भाई ये, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट केस यही मानता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे होगा देखना जरा ध्यान से। और आज तुम्हें पता चल जाएगी कि मॉलिक्यूल्स भी बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत शातिर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, कैसे होते हैं जरा देखना, ठीक है। उससे पहले मैं एक चीज पूछता हूँ मैं आप लोगों से, बताना NH3 मतलब अमोनिया की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो नाइट्रोजन बस कितने सिग्मा बॉन्ड भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या है लोन पेयर, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम अगर 4 आ जाए, कितना आ जाए 4, तो हम क्या बोलते हैं sp3 हाइब्रिड, क्या बोलते हैं sp3 हाइब्रिड, ठीक है। तो जैसे देखो हम यहां पे गिने 1 2 3, तो 3 सिग्मा है एक लोन पेयर, तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन क्या है sp3 हाइब्रिड है, क्या है sp3 हाइब्रिड। हम फिर चलते हैं एक मॉलिक्यूल के पास, और एक मॉलिक्यूल से पूछते हैं बता भाई नाइट्रोजन तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, ठीक है। तो फिर से नाइट्रोजन के पास जाए, तो नाइट्रोजन ने बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर है, फिर से सम 4 आया, हमने बोला sp3, नाइट्रोजन ने बोला ओके, ठीक है। हम फिर चलते हैं नाइट्रोजन के पास, अब की बार मॉलिक्यूल दूसरा है, मॉलिक्यूल कौन सा है दूसरा है, ठीक है। हम फिर नाइट्रोजन के पास गए, नाइट्रोजन को बोला बता भाई हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, नाइट्रोजन ने कहा 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, और एक रहा लोन पेयर, हमने देखा 3 सिग्मा एक लोन पेयर sp3, नाइट्रोजन ने बोला नहीं मैं sp2 हूं, क्या हूं sp2, ये क्या हुआ, ये sp2 कैसे हो गया, इसके पास भी तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर है, इसके पास भी तो 3 सिग्मा एक लोन पेयर है, इसके पास भी 3 सिग्मा एक लोन पेयर है। तो अब सुनना मेरी बात ज्यादा ध्यान से, गजब की बात बताने वाला हूँ, कान खोल के एक बार सुन लो, बहुत मजा आएगा बात सुन के, देखना भाई, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज जितना ज्यादा फैलेगा डिस्पर्स होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जब कभी भी चार्ज या इलेक्ट्रॉन जितनी दूर में फैलेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल में sp2 कैसे हुआ, इसी मॉलिक्यूल को मैं एक बार फिर से दिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, और यहां पे sp3 में है ये, ठीक है। दूसरी सिचुएशन हम मान लें CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, और अब की बार इसी लोन पेयर को हमने p ऑर्बिटल में रख दिया, किसमें रख दिया p ऑर्बिटल में, ठीक है। अब देखो जरा यहां पे ये sp3 में है, और sp3 आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, हमें पता है ना sp3 में क्या होगा, टेट्राहेड्रल जैसी ज्योमेट्री बनेगी, तो 3 ऐसे होंगे और एक ऐसे, क्लियर है। तो ये जो है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो ये इस p ऑर्बिटल और इस p ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन में नहीं आ पाएगा, लेकिन यहां पे p ऑर्बिटल, क्योंकि हमें पता है देखो कंजुगेशन कब होता है जब p ऑर्बिटल्स पैरेलल होते हैं, तो p ऑर्बिटल है ही नहीं, sp3 है, लेकिन यहां पे अगर मान लो ये लोन पेयर p ऑर्बिटल में होता तो ये इधर आता और ये इधर जाता, तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन फैले कि नहीं फैले, और जैसे इलेक्ट्रॉन फैले तो गजब क्या होगा, इस मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और स्टेबिलिटी मिल जाएगी तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो अपनी रिएक्टिविटी कम कर पाएगा और अपने आप को अच्छा महसूस करेगा कि नहीं करेगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है। इसीलिए इस मॉलिक्यूल ने ये चालाकी भरा कदम खुद ही किया कि अपना लोन पेयर sp3 में ना रख के उसने p ऑर्बिटल में रखना स्टार्ट कर दिया, ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को फैला सके, क्या कर सके फैला सके। तो जब भी कभी सिचुएशन ऐसी बनेगी कि लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो सके, तो उस टाइम पे ये मॉलिक्यूल अपनी चालाकी से उस लोन पेयर को p ऑर्बिटल में रख लेगा। एग्जांपल नंबर 1 से शुरू करते हैं, जरा देखना एग्जांपल नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और अगले कार्बन पे अब कर दिया नेगेटिव, क्या कर दिया नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव है ये बताओ अब किस में होगा, क्योंकि नेगेटिव के साइड में कौन आ गया p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल आ गए तो ये अपने आप को किस में ले जाने की कोशिश करेगा, p ऑर्बिटल में ले जाने की कोशिश करेगा, और दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका एक किसी और से लिया, तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, और ये जो पाई बॉन्ड है इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो पी ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब देखो ये जो नेगेटिव है ये हमेशा रिपेल करेगा इस पाई बॉन्ड को, किसको रिपेल करेगा, इस पाई बॉन्ड को। ठीक है, तो ये नेगेटिव इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो बताओ अपना जो कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू वो क्या बनेगा, सी एस टू, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस और यहाँ पे सी एच और यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एस टू, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू। रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर बता दो जल्दी, सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एस टू सिग्मा स्केलेटन एज इट इज। उसके बाद में बताओ नेगेटिव चार्ज कहाँ, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों कार्बन पे डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव, पाई बॉन्ड यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड भी डीलोकलाइज हो रहा है, अपना बन गया रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर। बोलो क्लियर है कि नहीं है, इसके लिए अपने एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो आप लोगों को करके मुझे बताने हैं, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आप लिख लो जल्दी से। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल, तो ये सारे एग्जांपल, एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, ठीक है गाइस, इसी में एक एग्जांपल वो नाइट्रोजन वाला और समझते हैं जरा अपन, ये एग्जांपल तो आपको करने हैं, ठीक है, उसके बाद में इसी केस के दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, फिर उसके बेसिस पे भी आपको होमवर्क देता हूं मैं, देखना जरा ध्यान से। ठीक है, जब हमने नेगेटिव की बात की, इसी तरह अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, ऐसे दिखेगा वो, तो नाइट्रोजन जैसे ही हमें दिखेगा, तो नाइट्रोजन पास कितने लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर, और ये अपना लोन पेयर बताओ sp3 में रखेगा या p में रखेगा, जल्दी बताओ, हमें पता है साइड में क्या है, p ऑर्बिटल है, तो साइड में अगर p ऑर्बिटल है तो ये नाइट्रोजन अपनी चालाकी से इस लोन पेयर को किस में ले लेगा, p ऑर्बिटल में ले लेगा, और यहां पे हमें पता है ये पाई बॉन्ड दो p ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना है, तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा, और जैसे ही ये बनेगा बताओ ये क्या बन जाएगा, CH2 minus, CH2 minus, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया तो माइनस, तो नाइट्रोजन से दूर गया तो पॉजिटिव, क्या आ गया, पॉजिटिव। बताओ रियल हाइब्रिड क्या बनेगा, सिग्मा स्केलेटन लिख लो क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 लिख लिया ना, बोलो ठीक है, पाई बॉन्ड एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड डॉट 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 डॉट, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे कैसा था, नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल भी समझ में आ गया, तो पाई बॉन्ड के एडजेसेंट में क्या हो, लोन पेयर हो। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम एग्जांपल लिखते हैं, जो एग्जांपल आपको करने हैं और जिनके कंजुगेट जिनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है, फिनोल, तो ये एग्जांपल आपको करने हैं।
ठीक है गाइस, तो मुझे उम्मीद है आप सब इन सब के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना के और मुझे भेजेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इन सब के आंसर भी लेके आऊंगा अगर आपके गलत आंसर होते हैं तो, ठीक है। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये तीन एग्जाम तीन केस हमने आराम से समझ में आए होंगे मुझे उम्मीद, हमने जो पढ़े हैं, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहला केस जब तीन पी ऑर्बिटल, कम से कम कितने पी ऑर्बिटल की बात की हमने, तीन पी ऑर्बिटल की बात की, दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे, एक बार जो नेक्स्ट पी ऑर्बिटल है वो खाली होगा तो ये जो पाई बॉन्ड है ये साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये जो पी ऑर्बिटल है ये हाफ फिल्ड होगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है, ऐसी सिचुएशन बनानी है। और तीसरी सिचुएशन जब ये पाई बॉन्ड इसके साइड में पी ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो, क्या हो, फुली फिल्ड, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस साइड आएंगे तो ये पाई बॉन्ड इस साइड हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो बहुत पसंद आई होगी, सो थैंक यू।